नमस्कार दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम 12 मार्च को हिमाचल के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज का आगाज करेगी। इस सीरीज में हार्दिक पांड्या, शिखर धवन और भुवनेश्वर कुमार की वापसी हुई है, जो चोट से उभरे हैं। न्यूजीलैंड में 3-0 से वनडे व 2-0 से टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अब अपने घर जीत हासिल कर खोया आत्मविश्वास फिर हासिल करना चाहेगी। लेकिन इस मैच के शुरू होने से पहले बुरी खबर सामने आई है, जिससे लग रहा है कि मैच रद्द भी हो सकता है। दरअसल मैच के होने से पहले मौसम विभाग द्वारा बड़ी अपडेट सामने आई है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश मैच का मजा खराब कर सकती है। विभाग के शिमला केंद्र ने 12 मार्च को अलर्ट जारी किया है, साथ ही अनुमान जताया है कि मैच के दिन तूफान और बारिश खेल बिगाड़ सकते हैं। इस लिहाज से कम ओवरों का मैच तो छोड़ ही दीजिए, मैच शुरू भी हो सकेगा इस पर संदेह बना हुआ है। सिर्फ 12 को ही नहीं बल्कि 12 से लेकर 15 तक बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलने की आशंका जताई जा रही है। बारिश के कारण रद्द हो चुका मैच। जी हां दोस्तों, इसी मैदान पर भारत साउथ अफ्रीका के बीच पिछला मुकाबला भी बारिश के कारण रद्द हुआ था। तब 15 सितंबर 2019 को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला धर्मशाला में होना था, लेकिन इस बार HPCA ने धर्मशाला के देवता इंद्रनाग के खनियारा स्थित प्राचीन मंदिर में हवन यज्ञ भी करवाया है। पदाधिकारियों ने इंद्रनाग मंदिर में मैच के दौरान बारिश ना होने की कामना की है। धर्मशाला और आसपास क्षेत्र में मान्यता है कि इंद्रनाग न केवल धौलाधार क्षेत्र के पीठासीन देवता है, बल्कि इसे बारिश का देवता भी माना जाता है। इंद्रनाग भगवान इंद्र के साक्षात रूप हैं। साल 2013 में जब इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मुकाबले के तौर पर धर्मशाला में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था, तब इंद्रनाग देवता की पूजा की गई थी। इसके बाद मैच पर बारिश का कोई असर नहीं पड़ा था। तो दोस्तों, ये थी पूरी खबर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।